हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे टाटा पावर के बारे में, जिसमें एक बड़ी न्यूज़ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। टाटा पावर की न्यूज़ बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, टाटा पावर जो कि आप जानते हो एक मल्टीबैगर शेयर है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफ शेयर है, और कंपनी में अभी लगातार तेजी बनी हुई है। आज का रेट था 265 रुपीज़ और 52 भी खाया था 276 रुपीज़। आज फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाने के तैयारी में टाटा पावर का शेयर है। G20 समिट में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काफ़ी बड़े कदम उठाए गए हैं और उसका बड़ा बेनिफिट आने वाले दिनों में टाटा पावर को भी हो सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, पी है 25 का, EPS है 11 का, और कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे आते हैं। लास्ट क्वार्टर जो कि काफ़ी शानदार आया था, जून क्वार्टर 1140 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट दर्ज किया था, जो कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर दोनों भी अच्छा था। कंपनी की ओर से अनाउंसमेंट आया है, कंपनी ने CDB के साथ में MOU साइन किया है। CDB मतलब क्या? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये जो CDB होती है ये छोटे इंटरप्राइजेस को, छोटे कंपनियों को फाइनेंस करने का काम करती है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो टाटा पावर ने CDB के साथ MOU साइन किया है, जो कि MSME जो कंपनियां हैं उनको सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए फाइनेंसिंग करेगी, और इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी भी कुछ भी नहीं रहेगी। MSME मतलब क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जो छोटी छोटी जो व्यापारी होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज़ के, लार्ज साइज़ के नहीं, उनको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और सोलार का जो है काफ़ी महंगा आता है, टोटल पैकेज जो होता है, यूनिट होता है, तो उनको फाइनेंसिंग करने का काम अगर CDB की ओर से होता है टाटा पावर के साथ में, तो आने वाले दिनों में टाटा पावर को और भी बड़ी बड़ी ऑर्डर मिलती हुई दिखेगी, अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से, दुकानदारों से, जो कि सभी MSME सेक्टर में फॉल होते हैं। और इसके लिए टाटा पावर अभी 2023-24 में सोलार फेस्ट इसका आयोजन कर रही है, डिक्लेयर कर रही है। तो ये सोलार फेस्ट में कंपनी और CDB की ओर से आसान किस्तों में सोलार पावर प्लांट्स अवेलेबल होंगे, और उसके लिए कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी, फाइनेंस इजीली अवेलेबल होता है। तो काफ़ी लोग सोलार पावर के प्रोजेक्ट्स लगा लेते हैं, जिसके कारण बिजली की बचत होती है, और मेन तो जो है जो हमारा इलेक्ट्रिक का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा अच्छा पॉजिटिव मूव लिया किया है टाटा पावर ने। तो इस टाइप के कारण, इस MOU के कारण आने वाले दिनों में टाटा पावर को और भी ऑर्डर्स मिलेंगी MSME सेक्टर की ओर से। तो ये काफ़ी बढ़िया अपडेट है, और इसी के कारण आने वाले दिनों में हमें टाटा पावर के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा और सेफ शेयर चाहिए होगा। हालांकि शेयर बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है ऐसा नहीं है, बट धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो पोर्टफोलियो में एक सेफ शेयर के हिसाब से आप टाटा पावर को कंसिडर कर सकते हो, और इसके लिए खुद स्टडी करके या अपने एडवाइज़र से बात करके भी डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।